चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में शुरू हुआ इंटर डिपार्टमेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट। मंडल रेल प्रबंधक ने इसका उद्घाटन किया। पहला मैच यांत्रिक विभाग ने 1-0 से जीता। मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने आरपीएफ और यांत्रिक विभाग के बीच खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच का खिलाड़ियों से परिचय लेने के बाद फुटबॉल को किक लगाकर उद्घाटन किया। पहला मैच यांत्रिक विभाग ने 1-0 गोल के अंतर से जीता। यांत्रिक विभाग के एस बोद्रा ने मैच के 9वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त बनाया। इसके जवाब में आरपीएफ की टीम मैच की समाप्ति तक गोल करने में सफल नहीं हुई। यांत्रिक विभाग के खिलाड़ी एस बोद्रा मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। दक्षिण पूर्व रेल ने खेल संगठन सिरसा चक्रधरपुर द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट 1 से 13 फरवरी तक इकबाल सिंह सिंधु स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में पूल ए में 4 टीमें आरपीएफ यांत्रिक परिचालन व कार्मिक और पूल बी में 4 टीमें अभियंत्रण विद्युत वाणिज्य व स्वास्थ्य शामिल हैं। एवरी वेलकम, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।